भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण वर्ग में विशेष रूप से प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष वंदना गुलेरिया मौजूद रही। प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा हमीरपुर की अध्यक्ष राजकुमारी ने की, जिसमें प्रशिक्षण वर्ग में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को घर द्वार तक पहुँचाने की अपील भी की गई। मंडल स्तर से भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस जिला कार्य समिति प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लिया। बैठक में हमीरपुर महिला थाना प्रभारी किरण बाला ने भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कानूनी जानकारी भी प्रदान की। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष वंदना गुलेरिया ने कहा कि हाल ही में शिमला में आयोजित प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया था, जिसके बाद प्रदेश भर से 17 संगठनात्मक जिलों में 1 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। उसी कड़ी में हमीरपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वंदना गुलेरिया ने कहा कि वे वर्तमान में जिला परिषद की सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सरकार रहते महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया था। जनता पार्टी की जैसे बिहार ही है हमारी, हाल ही में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हुई है। प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग हुआ शिमला में 3 दिन का, और अब हमारे जिला में हमारे 17 जिला हैं और 17 के 17 जिलों में 1 दिन का हमने महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर रखा है। और आज हमारे हमीरपुर जिला का जो प्रशिक्षण शिविर है वो आज अभी समापन की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके लिए मैं बधाई देती हूँ अपने जिला अध्यक्ष को कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से वेल मैनेज किया। और महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की रीति जो भी नीतियाँ हैं उसके लिए महिला जो अपने हमारे मंडल स्तर पर जो हमारी बहनें, मंडल स्तर की बहनें आई हैं, उनको हमने बताया कि ये जो योजनाएं जो हैं प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई हुई हैं केंद्र सरकार ने, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ही महिला हितैषी रही है और आगे भी महिलाओं के लिए कार्य करेंगी। और हम 2022 के लिए मेल रणनीति जो है हमने इस बैठक में, इस प्रशिक्षण शिविर में तय की। रेशो देखें, अगर जब से हमारी प्रदेश सरकार या केंद्र में जब से सरकार आई है तब से बहुत कम उसमें उत्पीड़न के मामले जो हैं कम हुए हैं, ना कि ज़्यादा हुए हैं। जैसे महिला हेल्पलाइन शुरू हुई है, 1100 हमारी हेल्पलाइन शुरू हुई है और चाइल्ड के लिए भी हमारी हेल्पलाइन शुरू हुई है, तो उससे बहुत कम है, हमें मना नहीं कर रहे हैं, परंतु काफ़ी मात्रा हद तक उसमें सुधार हुआ है। वो सबके सामने ही है, वो आप उसमें जो सरकार अपना काम कर रही है उसके लिए एक बुढ़िया हेल्पलाइन बना हुआ है और उसमें कोर्ट में मामला चला हुआ है। से मैं हूँ, परंतु हमारा पार्लियामेंट जो है हमीरपुर पार्लियामेंट है और मैं पार्लियामेंट की प्रभारी हूँ। और चुनाव लड़ने की आपने बात की, मैं भारतीय आज मैं जिला परिषद मेंबर भी हूँ और वही कारण है कि जब धूमल सरकार थी तो धूमल जी ने महिलाओं के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2009 में जब 10 में जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और मैं उस टाइम भी जिला परिषद थी और अब भी मैं जिला परिषद हूँ। अभी तो मैंने जनरल से इलेक्शन लड़ा है क्योंकि वो ओपन सीट थी, परंतु बहुत बहनें ऐसी हैं हमारे बीच में ही, बहुत बहनें ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, चाहे वार्ड मेंबर का है, चाहे प्रधान का है, चाहे BDC का है, चाहे जिला परिषद का है। जो आरक्षण, जो एक इज्जत जो पूरे प्रदेश में महिलाओं को मिली है पंचायती राज में, जो लोकल बॉडीज़ में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दी है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपने महिलाओं के लिए, जो आज से पहले इतनी सरकारें रहीं, 2014 में जब हमारी माननीय मोदी जी ने सेंटर में नेतृत्व लिया तो उन्होंने उज्ज्वला योजना किसके लिए शुरू की? महिलाओं के लिए। तो आज उनसे पहले भी सरकारें रहीं, 60 साल तक जो था कांग्रेस ने राज किया, परंतु उन्होंने महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचा? मैम अगर पार्टी, मैं तो इलेक्शन लड़ा है, मैं तो अभी नहीं, मैं अब विधानसभा इलेक्शन की बात मांगा गया। अगर पार्टी विश्वास गर्म में क्या छिपा है वो पार्टी तय करेगी।